इतरो भारतीय जनता पार्टी में। समाज जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले जिन लोगों का प्रवेश हुआ है, वह क्षेत्र रहे हैं राजनीतिक, साहित्यिक और फिल्म जगत, खेल की दुनिया, इन सब सारे क्षेत्रों से। लेकिन अब पत्रकारिता जगत की भी जो प्रमुख हस्तियां हैं, अब उन हस्तियों ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार कर एक इस देश को अस्थाई सरकार देने और ऐसी सरकार देने जो गुड गवर्नेंस दे सके, उसके लिए अब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार करने का फैसला किया है। देश की एक मानी जानी पत्रकारिता जगत की हस्ती, इसे मैं कह सकता हूं कि देश की पत्रकारिता जगत के स्टारवर्ल्ड के रूप में जिन्हें जाना जाता है, ऐसे जनाब यंगे अकबर साहब, जो कि सांसद रह चुके हैं एक समय बिहार के किशनगंज से, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार करने का फैसला किया है। हम सभी जानते हैं कि केवल पत्रकारिता ही जगत नहीं, बल्कि साहित्यिक जगत की भी एक सशक्त हस्ताक्षर है। आपकी कलम में कितनी ताकत है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आप कुछ लिखते हैं, केवल देश में ही नहीं पढ़ा जाता है, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी पढ़ा जाता है। आज उन्हें मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में मान्यता देता हूं, शेष मैं स्वीकार करता हूं और उनका भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। देखिए, आज अध्यक्ष जी के बाद कुछ बोलने का मेरा कुछ ज्यादा कहना ना उचित होगा, ना समय है ना वक्त है, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि मैं ये यहाँ पे राजनीति में वापस नीतियों के लिए आया। देश के सामने जो क्राइसिस है उसके बारे में आपने खुद लिखा है, मुझे तो आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ऐसा मौका है जब हम जितना भी छोटा बहुत कर सकें वो देश की पुकार है, और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इस लोगों की जो आवाज़ है उसके साथ मिलके एक अपने मुल्क को, अपने वतन को एक रिकवरी मिशन पे वापस ले आए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष कि आपने ये स्वीकार किया, और मैं आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग अंडर यू। थैंक यू वेरी मच। राजनाथ जी, एक सवाल था, बोलिए। जसवंत सिंह जी से आपकी बात हुई है, क्या वो मान गए हैं, खबरें आ रही है वो बीजेपी से इस्तीफा देकर मेरे लिए चुनाव लड़ेंगे, क्या पार्टी उन्हें मना लेगी या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? भाई, मैं इस संबंध में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूँगा कि जहाँ तक श्री जसवंत सिंह जी का प्रश्न है, वो भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं और उनका हम लोग बेहद सम्मान करते हैं। मैं समझता हूँ किसी की प्रतिष्ठा और किसी के सम्मान का मूल्यांकन केवल टिकट के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। इन सब सारी चीज़ों से श्री जसवंत सिंह जी पूरी तरह से परे हैं, और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, उनकी प्रतिभा का पूरा सदुपयोग करेगी। अगर इस्तीफा देते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तो क्या उनके और उनके बेटे के खिलाफ कार्रवाई होगी? नहीं, मैं तो इसकी कल्पना नहीं करता ना, अभी तो ये काल्पनिक प्रश्न है। अच्छा, देख प्रकाश जी, बादल ने कहा है कि अगर अमृतसर से चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है, क्या पार्टी में तय हुआ है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने का? नहीं, अगर क्या, वो निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे, अरुण जेटली जी निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और निश्चित रूप से क्या अगली बात भी लागू होगी सर, निश्चित रूप से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर? मैंने कह दिया है ना, चुनाव जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी युग आ गया लेकिन आडवाणी युग समाप्त नहीं, और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से उनको पहले लिस्ट में टिकट नहीं दिया गया, अपमान है।
पहली लिस्ट में तो मुझे भी नहीं दिया गया, पार्टी अध्यक्ष हूँ, पहली लिस्ट में मोदी जी को भी नहीं दिया गया, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, पहली लिस्ट में सुषमा जी को भी नहीं दिया गया, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा है, पहली लिस्ट में श्री अरुण जेटली को भी नहीं दिया गया, वह लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा है। धन्यवाद।